नमस्कार, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्यामलाल मोदी विद्यालय से मैं सही शिक्षिका श्रीमती कड़वे एस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 21 में हम शिष्टाचार यह पाठ देखेंगे। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ का संपूर्ण परिचय लेंगे विस्तार से, और जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। शिष्टाचार यह पाठ भीष्म साहनी जी लिखित है। सबसे पहले हम भीष्म साहनी जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी यह अविभाजित भारत का एक भाग था, अभी यह पाकिस्तान में स्थित है। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। इनकी प्रमुख कृतियाँ है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि उनके कहानी संग्रह है। झरोक है, तमस, कुंतो, नीलो नीलेमन, नीलोफर यह उनके उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी यह उनके नाटक है, और आज के अतीत यह उनकी आत्मकथा भी प्रसिद्ध है। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। अब हम शिष्टाचार यह पाठ विस्तार से देखेंगे। इस चरित्रात्मक कहानी में पति पत्नी तथा नौकर मालिक के संबंध, नौकरों के प्रति दृष्टिकोण, नौकर की कर्तव्य के प्रति चेतना, मालिक द्वारा अनजाने किए गए व्यवहार के लिए पश्चाताप आदि स्थितियों को मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। अब हम यह पाठ विस्तार से देखेंगे। जब 3 दिन की अंथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल का नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ गई। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो, इसे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी। इसका उत्तर बाबू रामगोपाल ने दिया, जानती हो तलब क्या होगी, केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा। बाबू रामगोपाल जी ने एक नौकर ढूंढ के वो लाए हैं और बड़ी मुश्किल से उनको वो नौकर मिला है, लेकिन उस नौकर की हालत बहुत ही खस्ता है, ख़राब है। वह एक बनमानस यानी जंगली की तरह दिख रहा है, और इसलिए रामगोपाल जी की जो पत्नी है वो चिढ़ जाती है कि मैं इस बनमानस को काम सिखाऊंगी या फिर इसको लोगों से छिपाती फिरूंगी। इतनी खराब अवस्था उस नौकर की थी, लेकिन रामगोपाल जी कहते हैं कि यह जो नौकर है इसकी तलब मतलब तनख्वाह केवल 12 रुपये होगी, और आजकल के इन दिनों में इतना सस्ता नौकर तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तब श्रीमती जी कहती है कि तो काम भी वैसा ही करता होगा, यह मैं क्या जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवे चढ़ गई, तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी, अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। अब ये जो श्रीमती जी हैं इनको यह नौकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और रामगोपाल जी ने बताया कि यह नौकर अभी अभी गाँव से आया है, इसीलिए तुम्हें इसे सब काम सिखाना पड़ेगा। तब और भी श्रीमती जी चिढ़ जाती है, उनकी भौवें चढ़ जाती है, और वे कहते हैं कि ठीक है, जब तक दूसरा नौकर नहीं मिलता है तब तक ही मैं इस नौकर को यहाँ पर रखूँगी, तुम अभी भी नौकर की खोज बंद मत करना, उसको नए नौकर की खोज करते रहना, क्योंकि श्रीमती जी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इस बनमानस जैसे दिखने वाले इंसान को अपना नौकर बनाकर घर में रखने के लिए। बाबू रामगोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद, श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिसोल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो, जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी, जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा।
शिमला के पास जो एक गांव था वहां से ये हेतु नामक इंसान आया हुआ था। इसकी जो अवस्था थी वो बहुत ही ख़राब थी और उसको रखने की श्रीमती जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भी वो उसे रखने के लिए तैयार थी, लेकिन वो पहले ही उसको कड़क कर बोल देती है कि मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूँगी, काम में कोई भी काम चोरी नहीं चलेगी और घर में भी कोई चोरी चकारी नहीं चलेगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं सीधा तुम्हें हवालात में भेज दूँगी, ऐसी धमकी श्रीमती जी पहले ही हेतु को दे देती है। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे गलीज और लंपट होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं, जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था, यो भी घर में उनकी हुकूमत थी, जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो वो अंग्रेज़ी में बात करती और जब नौकरों पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती, दोनों की लगाम खींच कर रखती। समाज में नौकरों के प्रति लोगों का जो व्यवहार था वही व्यवहार श्रीमती जी का इस नौकर के प्रति था, उनको भी लगता था कि सभी नौकर जो ये नौकर लोग हैं वो झूठे और गलीज और लंपट होते हैं और झूठी बात बोल दिया करते हैं, हमेशा नई नौकरी की तलाश में रहते हैं, कहीं अधिक पैसे मिल जाए तो वो पुरानी नौकरी किसी भी बहाने से छोड़ देते हैं, इसीलिए श्रीमती जी इन नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया करती है। हालांकि देखा जाए तो श्रीमती के हाथों में ही घर की पूरी मदार टिकी हुई थी, उनकी ही हुकूमत घर में चलती थी, जब उनको अपने पति पर गुस्सा आता था तो वो उनसे अंग्रेज़ी में बात करती थी और नौकरों पर गुस्सा आता तो वो गालियाँ देने लगती, इस प्रकार उन्होंने पूरे घर को अपने इसमें काबू में बना रखा था। उनकी तेज़ नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी, नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नौलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया पर षड्यंत्र नज़र आता था। अब बैठे बैठे श्रीमती जी का काम था कि नौकर किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, इन सब बातों पर वो कड़ी नज़र रखा करती थी। उनको जासूसी नावल पढ़ने का शौक था और इसी वजह से वो नौकरों की हर बात पर षड्यंत्र उनको दिखाई देता था। काम चलने लगा है तो आरोप तो था ही, उस पर उजड़ और गंवार भी निकला, उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बापू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ गई। नौकर उजड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था, उस पर वेतन केवल 12 रुपये, जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह फटने लगे, मुँह का रंग और गहरा होने लगा और गाँव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब ये जो नौकर था हेतु, ये अरूप था, उजड़ था, गवार था, उसको गांव में रहने की आदत थी, इसलिए शहर के जो चाल चलन है वो उसे पता नहीं थे, इसलिए जब वो रामगोपाल जी के यहाँ काम पर लगा तब उसके हाथ से कांच के ग्लास टूटकर फूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे, सब अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती जी उस पर दिन में कई बार चिल्लाती, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देती, लेकिन फिर भी हेतु कुछ भी पलट कर नहीं बोलता था। अब वो उजड़ था, अरूप था, लेकिन अपने काम सीख रहा था, काम कर रहा था, वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता था और 12 रुपये ही तनख्वाह लेता था, इसलिए उसकी और कोई भी अड़चन किसी को नहीं थी, लेकिन फिर भी श्रीमती जी उसको डांटा करती थी। अब बाबू राम गोपाल जी की जो दूसरे नौकर के लिए खोज थी वो अब शिथिल पड़ चुकी थी। अब ये जो हेतु था वो काफ़ी सारा काम उसने घर का सीख लिया था और वो शहरी माहौल में अब घुल मिल गया था। अब हेतु को 3 महीने हो गए थे, पर यहाँ पहुँचकर श्रीमती एक भूल कर गई, श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथम अनुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियाँ होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आँखें आटे,
दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। अब देखिए, हेतु को श्रीमती जी बहुत ज़्यादा डांटा करती थी, उसको हर काम में टोका करती थी, लेकिन अब जब श्रीमती जी का जो छोटा सा बेटा था वो 4-8 बरस का हो चला था, उसका मुंडन संस्कार बाकी था, उसके कार्यक्रम की तैयारी अब घर में शुरू हो गई थी और उन तैयारियों में अब श्रीमती जी पूरी तरह से खुद को बिजी कर चुकी थी। अब आटे दाल घी इन सब से अब उनकी नज़र हट चुकी थी। अब धीरे धीरे घर का पूरा काम हेतु के हाथ में आ गया था। पूरी चाबियों का गुच्छा भी अब श्रीमती जी के दुपट्टे से निकलकर वो अब नौकरों के हाथ में दिखने लगा था। आखिर बहुत शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों फाणुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। अब कार्यक्रम के लिए जो लोग आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, उनके आवभगत में श्रीमान और श्रीमती जी पूरी तरह से व्यस्त हो चुके थे। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गई। क्या बात है? हुजूर मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दे। छुट्टी दे दे? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ? अब देखिए, सब माहौल बड़ा ही खुशनुमा और आनंद भरा था। शुभ दिन था, बच्चे का मुंडन संस्कार था, मेहमान आ रहे थे, उनकी आवभगत हो रही थी और इसी बीच हेतु आ जाता है और श्रीमान जी से कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब अचानक से इतना काम होने के बावजूद हेतु छुट्टी मांग रहा है तो वो बात श्रीमान जी को बहुत खटकी और वो उसको छुट्टी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए थे। श्रीमान जी एकदम से क्रोध से उबल पड़े। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। अब हेतु भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था, उसको शायद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था और इस वजह से वह छुट्टी लिए बिना वहाँ से हिलने नहीं वाला था। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी? अब श्रीमान जी चिल्ला कर उसे बोले कि तुम्हें छुट्टी किसी भी हालत में नहीं मिलने वाली है। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तुझे छुट्टी मांगने का निकाला है। चांटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आँखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चांटा पड़ा है, आँखें फेर ली। अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हेतु वहाँ से हिल नहीं रहा था और श्रीमान जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और इसलिए उन्होंने एक चांटा उसके मुँह पर रसीद कर दिया। सगे संबंधी जो जमा हुए थे उन्होंने देखा कि किसी नौकर को चाटा पड़ा है तो फिर उन्होंने भी अपनी आंखें फेर ली। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरांडे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो? बाबू रामगोपाल जी ने हेतु को बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा, उसके मुंह पर एक तमाचा भी जड़ दिया और फिर भी वहाँ से हेतु हिल नहीं रहा था, उसे छुट्टी चाहिए ही थी। अब एक बात जब श्रीमती जी के कान पर पड़ी तो उनको इस बात में कोई षड्यंत्र नज़र आया और वो भी बाहर बरांडे में आकर हेतु को डांटने फटकारने लगी। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी जो हेतु ने पहले कभी नहीं सुनी थी, फिर भी हेतु वहाँ से हिला नहीं। अब यह सब बातें जब चल रही थी तब वहाँ के मेहमान भी वहाँ अब इकट्ठे हो गए और वो कहने लगे कि इसको घर क्यों जाना है, क्या काम है, लेकिन हेतु उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं रहा था। अब हेतु तो कुछ बोल नहीं रहा था,
उसको क्या काम है और गांव क्यों जाना है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरांडे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हो न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान अपने से आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगी या मैं किसी को बुलाऊं। हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। अब देखिए इतना सब होने के बावजूद हेतु वहाँ से हिला नहीं, वही बरांडे पर एक कोने में जाकर बैठा। वो फिर से काम को नहीं लगा। काम नहीं करते देखकर श्रीमान जी फिर उस पर गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी हेतु वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। वो काम नहीं कर रहा था और उनकी मिन्नतें कर रहा था कि साहब जी मुझे घर भेज दो, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब लोगों का परामर्श श्रीमान जी ने सुना, क्योंकि अब ये ज़्यादा फैल रही थी ये बात, और इसलिए उन्होंने उसका नाम पता सब लिख लिया, उसका अंगूठा एक पन्ने पर लगा लिया और उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों को पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन, एक एक करके जो याद आया गिन डाला, मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया, कभी कोई नौकरों को यो भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूँ क्या क्या उठा ले गया है। अब श्रीमती जी जो नॉवेल पढ़ा करती थी, जासूसी नॉवेल, उसकी वजह से उनको पूरी तरह से शक था कि हेतु इतनी जल्दबाजी में छुट्टी लेकर गया है, तो शायद वो घर से कोई चीज़ें उठा कर ले गया होगा। काफ़ी सारी चीज़ों पर उसने हाथ साफ किया होगा, इसलिए जैसे ही मुंडन संस्कार का कार्यक्रम खत्म हुआ, दूसरे दिन श्रीमती जी ने अपनी ट्रंक खोलकर सारी महंगी महंगी चीज़ें देख डाली कि शायद उसने क्या क्या ले गया होगा पता नहीं। लेकिन बड़े बड़े घरों में हर एक चीज़ की सूची बनाकर नहीं रखी जाती, इसलिए श्रीमती जी को पता ही नहीं चल रहा था कि शायद उसने क्या ले गया हो या न ले गया हो पता नहीं। अब श्रीमती जी कहती है श्रीमान जी से कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, कभी कोई नौकर यो भी जाने देता है। अब मैं क्या जानूँ क्या क्या उठा ले गया है, जाएगा कहाँ, उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है, ऐसे श्रीमान जी कहते हैं। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। तुम अपनी चीज़ों की अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई हो तो पुलिस में इत्तला कर दूंगा, मैंने उसका पता वता लिख लिया है। अब उस पर काफ़ी शक होने लगा है, वो अचानक से जो हेतु चला गया है अपने गांव, तो इसलिए श्रीमान और श्रीमती जी थोड़े से परेशान हैं और उनको शक है कि उसने शायद घर में चोरी की है। तुम समझे बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा, ऐसे श्रीमती जी श्रीमान जी से कहती है। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था, थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ी। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अब देखिए हेतु अब गांव जा चुका था, हेतु की जगह दूसरा नौकर घर में आ चुका था। जब भी श्रीमती जी को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो हेतु को ही कोसती, वो चीज़ शायद उसी ने गायब की होगी, ऐसा उनका शक होता था। लेकिन अब श्रीमान जी को थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, उनको अफसोस होने लगा था कि उसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई है, और उनको कई बार लगा कि मनी ऑर्डर करके उसकी तनख्वाह उसे भेज दी जाए। एक दिन अचानक जब श्रीमान जी दफ्तर से घर लौट
रहे थे तो एक धर्मशाला के पास उन्हें हेतु उसी अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वही शिथिल अरूप चेहरा उसका देखकर श्रीमान जी को उसको पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। वो दौड़कर उसके पास चले गए। अरे तू कहाँ था इतने दिन, गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना, हेतु ने धीरे से कहा। जी, कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। अब थोड़ा सा श्रीमान जी को भी बुरा लग रहा था हेतु के लिए। ऐसा कौन सा काम था जो जलसे के दिन ही उसको जाना था, और इसलिए अब श्रीमान जी हेतु से पूछते हैं कि तेरा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? बोलते क्यों नहीं, क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दे। अब बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर हेतु को बताना ही पड़ता है। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होंठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। अब इतना ज़्यादा बोलने पर, फोर्स करने पर बाबू राम गोपाल को हेतु बताने की कोशिश करता है, लेकिन बताने से पहले ही उसकी आंखें भरकर आने लगी। वह रोने लगा, उसका मुंह खुल ही नहीं पा रहा था। बहुत यत्न करके वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसके लिए असंभव हो रहा था। और हेतु की यह अवस्था देखकर बाबू राम गोपाल जी पसीज उठे थे। अच्छा क्या बात है, उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। अब उसके रोने का कारण उसने बताया कि उसका बच्चा उस दिन मर गया था और इसलिए उसको छुट्टी चाहिए थी। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते रहे, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी न बोले, क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता, खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगे। हेतु के जीवन में इतनी बुरी घटना घट चुकी थी लेकिन फिर भी जलसे वाले दिन वह अपने बच्चे के मरने की बात राम गोपाल जी से नहीं कहता है, और जिस वजह से उसे मार खानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ती है। लेकिन हेतु कहता है कि हमारे गांव में यह प्रथा है कि किसी भी खुशी वाले घर में ऐसी दुख की या बुरी बात नहीं कही जा सकती। हेतु की यह बात सुनकर श्रीमान जी उसके तरफ स्तब्धता से देखने लगे। इस प्रकार नौकर के कर्तव्य के प्रति चेतना और मालिक द्वारा अनजाने में किए गए व्यवहार के लिए जो पश्चाताप और आदि स्थितियाँ थी, इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के अंतर्गत जो शब्द आए हैं जो कठिन लग सकते हैं वो इस प्रकार है। अंथक मतलब जो थके नहीं, बिना थके। षड्यंत्र मतलब कपटपूर्ण योजना। तब्दील मतलब बदल या परिवर्तित। अफसोस मतलब पश्चाताप। पसीजना मतलब पिघलना। इस पाठ के अंतर्गत जो मुहावरे आए हैं वो इस प्रकार थे। मुँह फेरना मतलब उपेक्षा करना, ध्यान न देना। बर्खास्त करना मतलब अपदस्त करना। और टस्य मस न होना मतलब दृढ़ रहना। कहने का प्रभाव न पड़ना। बेकाबू होना मतलब अनियंत्रित होना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना या फिर सामान गायब करना। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 22 में हम उड़ान यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।